शुभमंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ लेसन नंबर 8, हाथी की बात। लेसन नंबर 8, हाथी की बात। ओके, तो हाथी की बात में हम आज पढ़ेंगे शब्दार्थ है नए शब्द, शब्दार्थ है नए शब्द। लेकिन इसके पहले हम एक बार ये लेसन को देख लेंगे और उसके बाद हम शब्दार्थ पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाथी की बात में पहला मैं यहाँ पे दिया हुआ है कि हम क्या क्या जानेंगे। हाथी के जीवन के बारे में, महावत की भूमिका, लिंग का ज्ञान और वार्तालाप, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। वार्तालाप यानी हम जो आपस में बातचीत करते हैं उसे हम कहते हैं वार्तालाप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, बच्चों मैं हूँ गजानन, मैं हूँ एक हाथी। बच्चों मैं हूँ एक गजानन, गजानन को हाथी को क्या कहते हैं, गजानन भी कहते हैं, ठीक है। मैं हूँ एक हाथी, मैं क्या हूँ, एक हाथी हूँ। मेरे चार पैर और दो बड़े बड़े कान हैं, मेरे चार पैर हैं और दो बड़े बड़े कान हैं, ओके। मेरे पास एक लंबी सूंड है, सूंड यानी जो उसका रहता है ऐसा, और उसी से वो क्या करती है, कोई भी खाने का सामान उठा के अपने मुँह में डालती है। इसकी मदद से मैं अपना भोजन मुँह में डालता हूँ। हाथी क्या है, एक पुल्लिंग है, और हाथी का जो स्त्रीलिंग होता है वो हथिनी होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मैं अपना भोजन मुँह में डालता हूँ, किस चीज़ से, अपने सूंड से। इसी सूंड की मदद से मैं लकड़ी उठाने जैसे भारी काम भी करता हूँ, यानी इस सूंड से वो क्या करती है, लकड़ी उठाती है या उठाता है, या फिर बहुत भारी भारी चीज़ें रहती हैं वो अपने सूंड से उठा लेता है। एंड जब उसको पानी में जाके नहाना होता है तो उसी सूंड से वो पानी उठा उठा के अपने ऊपर डालता भी है। अब मैं तुम्हें अपने परिवार के बारे में बताता हूँ। मैं अपने परिवार के साथ एक बड़े से मंदिर में रहता हूँ। इसकी फैमिली जो है यहाँ पे दिया हुआ है, वो कहाँ रहता है, मंदिर के पास रहता है। यह मंदिर केरल के कोच्चि शहर के पास है। मुझे पानी में खेलना बहुत पसंद है। हाथी को पानी में खेलना क्या रहता है, बहुत पसंद रहता है। हमारे मंदिर के पास एक नदी है, हम सभी एक पंक्ति बनाकर वहाँ नहाने जाते हैं। पंक्ति यानी कतार, लाइन, ओके, सिरे नंबर से। वहाँ बहुत सी तितलियाँ और चिड़िया देखने को मिलती है। नदी में बहुत सी मछलियाँ भी है। यह सब देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। गेंद से खेलने में तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं अक्सर गांव में बच्चों के साथ फुटबॉल खेलता हूँ। क्या तुम जानते हो, हम हाथी जंगलों में भी रहते हैं। भारत में हम ज़्यादातर असम, त्रिपुरा, केरल और मैसूर के जंगलों में पाए जाते हैं। जंगल में हम अक्सर झुंड में ही रहना पसंद करते हैं। यदि कोई हाथी अपने सूंड से बिछुड़ जाए तो, अपने झुंड से बिछुड़ जाए तो क्या होता है, घबरा जाता है। इसलिए वो लोग कैसे रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, अपने फैमिली मेंबर के साथ रहते हैं। हाथियों के झुंड का नेता हाथी सबसे आगे चलता है। हाथियों का झुंड का जो मुखिया रहता है, मेन रहता है, वो सबसे आगे चलता है। हमारी देखभाल करने वाले को महावत कहते हैं। जो उन लोग का केयरटेकर रहता है उसे क्या कहते हैं, महावत कहते हैं। मेरा महावत बहुत अच्छा इंसान है। वह रोज़ मुझे केले और गन्ने खाने के लिए देता है। उसका जो महावत यहाँ पे दिया हुआ है वो कैसा है, बहुत ही अच्छा इंसान है। उसे क्या देता है, केले और गन्ने खाने को देता है, जो कि हाथी को बहुत ही प्रिय रहता है, ठीक है। यह मेरा सबसे प्रिय भोजन है, प्रिय यानी फेवरेट उसका डिश है इस हाथी का। क्या, केला और गन्ना, गन्ना केला यानी बनाना, गन्ना यानी शुगर केन, ओके। यह मेरा सबसे प्रिय भोजन है। त्योहारों के समय में तो मुझे बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है। लोग आकर मुझे तिलक लगाते हैं, मेरी पूजा भी करते हैं। मुझे खुशी होती है जब लोग मुझसे प्यार से मिलते हैं। ये हाथी अपने बारे में बता रहा है कि जंगल में रहता है और जंगलों में भी रहता है, और उसको लोग पेट बना के भी रखते हैं। तो ये जो हाथी है वो कहाँ है, मंदिर के पास रहता है, यानी पालतू है, पेट है, और उसका ये महावत है, उसका बहुत ही केयर करता है। लेकिन जब फेस्टिवल आता है तो उस टाइम उसको खूब सजाया जाता है, ठीक है, और लोग उसको जाके पूजा करते हैं। ये हमारा लेसन, और अब हमने शब्दार्थ और नए शब्द देख लेते हैं, ठीक है। तो शब्दार्थ में पहला दिया हुआ है कतार, पंक्ति, पंक्ति, पंक्ति का मीनिंग होता है कतार, क्यू, ठीक है, कतार, क्यू। दूसरा है
झुंड दूसरा है झुंड, झुंड यानी ग्रुप समूह, ठीक है, झुंड समूह, बिछुड़। तीसरा है बिछुड़, बिछुड़ अलग होना, टू पार्ट, अलग होना, ठीक है। चौथा दिया हुआ है महावत, महावत हाथियों की देखभाल करने वाला, हाथी की देखभाल करने वाला, हाथी की देखभाल करने वाला, ठीक है। इंसान मनुष्य, इंसान मनुष्य। नेक्स्ट है, हमने ही इतना ही था तो इसके साथ हम नए शब्द भी देख लेंगे। यहाँ पे नए शब्द, नए शब्द में पहला दिया हुआ है सुन, दूसरा दिया हुआ है पंक्ति, तीसरा तितलियां, चौथा मछलियां, तितलियां मछलियां, अक्सर फुटबॉल, ज्यादातर, ज्यादातर। सेवेंथ दिया हुआ है लेकिन हम अपने बुक से और भी निकालेंगे, ठीक है। तो हम पहले ले लेंगे हाथी, नाइन्थ वन हो गया गजानन, ग जन्मा की मात्रा, न न गजानन। टेंथ हो जाएगा सूर है ऑलरेडी, लकड़ी, ल क ल में बड़ी की मात्रा लकड़ी। ग्यारह है मंदिर, मंदिर। बारह है कोची, कम ओ की मात्रा, आधा च, च कोची। थर्टीन दिया हुआ है असम, त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा एक शहर का नाम है, एक राज्य का नाम है, त्रिपुरा, केरल और मैसूर। बिछुड़, बिछुड़ नहीं लिखे हैं, बिछुड़ इधर है। और महावत, महावत यहाँ पे है। एंड इंसान दिया हुआ है गन्ने, फोर्टीन ले लेंगे गन्ने। 15 देखते हैं त्योहारों, त्योहारों। अब है एक और खोज लेते हैं, तिलक,
तिलक। ठीक है, तो हम इसे पढ़ेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, शब्दार्थ श आधा ब द मै की मात्रा थ पे र, क्या हुआ शब्दार्थ यानी मीनिंग, शब्दार्थ यानी मीनिंग। ओके, शब्द शब्दों का अर्थ, पहला है प पे अंक की मात्रा, आधा क पे छोटी की मात्रा, त पंक्ति, क त मै की मात्रा, र कतार पंक्ति कतार पंक्ति कतार, झ में छोटाओ की मात्रा, ऊपर अंक की मात्रा, ड झुंड, स म में बड़ाओ की मात्रा, ह समूह झुंड समूह झुंड समूह, ब में छोटाओ की मात्रा, छ में छोटाओ की मात्रा, ड बिछुड़, ब में छोटाओ की मात्रा, छ में छोटाओ की मात्रा, ड बिछुड़, अलग अलग, हमेओ की मात्रा, न में आ की मात्रा, होना अलग होना, बिछुड़ अलग होना, म हम्या की मात्रा, व त महावत, हम्या की मात्रा, थ में बड़ी की मात्रा हाथी, क में बड़ी की मात्रा की हाथी की, द में की मात्रा, ख भम्या की मात्रा, ल देखभाल हाथी की देखभाल, क र न में की मात्रा करने, व म्या की मात्रा, ल म्या की मात्रा वाला हाथी की देखभाल करने वाला, महावत हाथी की देखभाल करने वाला। नेक्स्ट है इंसान, ई पे अंक की मात्रा, आ स पे आ की मात्रा, न इंसान, म न में छोटाओ की मात्रा, आधा श, य मनुष्य इंसान मनुष्य इंसान मनुष्य, पंक्ति कतार झुंड समूह बिछुड़ अलग होना, महावत हाथी की देखभाल करने वाला, इंसान मनुष्य, पंक्ति कतार झुंड समूह बिछुड़ अलग होना, महावत हाथी की देखभाल करने वाला, इंसान मनुष्य। अब देखेंगे हम नए शब्द, न यमे की मात्रा, नए श आधा ब द शब्द, नए शब्द, नए शब्द में पहला है सूंड, स में बड़ाओ की मात्रा, ऊपर चंद्रबिंदु, ड सूंड, स में बड़ाओ की मात्रा, ऊपर चंद्रबिंदु, ड सूंड, या फिर हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं सु ऊपर चंद्रबिंदु, ड सु ऊपर चंद्रबिंदु, ड सूंड, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं स में बड़ाओ की मात्रा, ऊपर चंद्रबिंदु, ड सूंड, प पे अंक की मात्रा, आधा क पे छोटी की मात्रा, त पंक्ति, प पे अंक की मात्रा, क पे छोटी की मात्रा, त पंक्ति, त में छोटी की मात्रा, त ल में छोटी की मात्रा, या पे चंद्रबिंदु, त में छोटी की मात्रा, त ल में छोटी की मात्रा, या पे चंद्रबिंदु, तितलियां बटरफ्लाई, म छ ल में छोटी की मात्रा, या पे चंद्रबिंदु, मछलियां फिश, म आ छ ल में छोटी की मात्रा, यहाँ पे चंद्रबिंदु, मछलियाँ, अ आधा क सर अक्षर, अ आधा क सर अक्षर यानी कभी कभी, प पे छोटा की मात्रा, ट ब में आ की मात्रा, ऊपर आ ल फुटबॉल, हम इसे पढ़ते हैं आ, आ का हम प्रोनाउंस करते हैं, ये जो ऊपर है ये न चंद्रबिंदु है न आ की मात्रा है, ठीक है, हम इसे आ, आ का प्रोनाउंस करते हैं फुटबॉल, आधा ज यम्या की मात्रा, द म्या की मात्रा, त र ज्यादातर, आधा ज यम्या की मात्रा, द म्या की मात्रा, त र ज्यादातर, हम्या की मात्रा, थ में बड़ी की मात्रा हाथी, हम्या की मात्रा, थ में बड़ी की मात्रा हाथी, ग जम्या की मात्रा, न न गजानन, ग जम्या की मात्रा, न न गजानन, ल क ड में बड़ी की मात्रा लकड़ी, शूंड पंक्ति तितलियां मछलियां अक्सर फुटबॉल ज्यादातर हाथी गजानन लकड़ी सूर प
पंक्ति, तितलियां, मछलियां अक्सर, फुटबॉल ज्यादातर, हाथी, गजानन लकड़ी। नेक्स्ट है मप्यांग की मात्रा, द पे छठी की मात्रा मंदिर यानी टेम्पल। मप्यांग की मात्रा, द पे छोटी की मात्रा राम मंदिर। कमेओ की मात्रा आधा च, च पे छोटी की मात्रा च कोचे। त त्रि, त में छोटी की मात्रा, प में छोटा की मात्रा, रम्या की मात्रा त्रिपुरा मंदिर कोचि त्रिपुरा। ग आधा न, न में की मात्रा गन्ने। आरा त यमयो की मात्रा, हम्या की मात्रा, रमयो की मात्रा, ऊपर अंक की मात्रा त्योहारों, त्योहारों। त में छोटी की मात्रा ल क तिलक मंदिर कोचि त्रिपुरा गन्ने त्योहारों तिलक। मंदिर कोचि त्रिपुरा गन्ने त्योहारों तिलक। तिलक यानी टीका, त्योहार फेस्टिवल गन्ने शुभ त्रिपुरा। और कोचि जगह का नाम है मंदिर। शुंग पंक्ति तितलियां बटरफ्लाई पंक्ति की मछलियां अक्सर फुटबॉल ज़्यादातर हाथी गजानन लकड़ी। ठीक है, तो ये शब्दार्थ और नए शब्द। ठीक है, अब हम एक बार देखेंगे एक्सरसाइज। नए शब्द हो गए, अब पाठ से सोचकर बताओ। ओके, एक बार इस लेसन को और पढ़ लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे हाथी की बात। बच्चों, मैं हूँ गजानन, मैं हूँ एक हाथी। मेरे चार पैर और दो बड़े बड़े कान हैं। मेरे पास एक लंबी सूंड है, इसकी मदद से मैं अपना भोजन मुंह में डालता हूँ। इसी सूंड की मदद से मैं लकड़ी उठाने जैसे भारी काम भी करता हूँ। अब मैं तुम्हें अपने परिवार के बारे में, परिवार यानी फैमिली के बारे में बताता हूँ। मैं अपने परिवार के साथ एक बड़े से मंदिर में रहता हूँ। यह मंदिर केरल के कोच्चि शहर के पास है। मुझे पानी में खेलना बहुत पसंद है। हमारे मंदिर के पास एक नदी है, हम सभी एक पंक्ति बनाकर वहाँ नहाने जाते हैं। वहाँ बहुत सी तितलियाँ और चिड़ियाँ देखने को मिलती है। नदी में बहुत सी तितली मछलियाँ भी हैं। यह सब देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। गेंद से खेलने में तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं अक्सर गांव में बच्चों के साथ फुटबॉल खेलता हूँ। क्या तुम जानते हो, हम हाथी जंगलों में भी रहते हैं। भारत में हम ज़्यादातर असम, त्रिपुरा, केरल और मैसूर के जंगलों में पाए जाते हैं। जंगल में हम अक्सर झुंड में ही रहना पसंद करते हैं। यदि कोई हाथी अपने झुंड से बिछुड़ जाए तो घबरा जाता है। हाथियों के झुंड का नेता हाथी सबसे आगे चलता है। हमारी देखभाल करने वाले को महावत कहते हैं। मेरा महावत बहुत अच्छा इंसान है, वह रोज़ मुझे केले और गन्ने खाने के लिए देता है। यह मेरा सबसे प्रिय भोजन है। त्योहारों के समय में तो मुझे बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है। लोग आकर मुझे तिलक लगाते हैं, मेरी पूजा भी करते हैं। मुझे खुशी होती है जब लोग मुझसे प्यार से मिलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पाठ से क है सोचकर बताइए। ठीक है, तो सोचकर बताइए में पहला क्वेश्चन है, गजानन हाथी का घर कहाँ था। गजानन हाथी का घर कहाँ था, तो सिर्फ मैं बोर्ड पे आंसर लिख रही हूँ। क्वेश्चन है, गजानन हाथी का घर कहाँ था। गजानन हाथी का घर मंदिर के पास था। कहाँ था, मंदिर के पास था। ठीक है, अब दूसरा है, हाथी को महावत क्यों अच्छा लगता था। हाथी को
हाथी को महावर इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वह हाथी की अच्छे से देख भाल करता था। क्यों अच्छा लगता था महावर? क्योंकि वह हाथी की देखभाल अच्छे से करता था। ठीक है, अब तीसरा है, हाथी झुंड में रहना क्यों पसंद करते हैं? हाथी, क्वेश्चन दिया हुआ है, हाथी झुंड में रहना क्यों पसंद करते हैं? हाथी झुंड में रहना इसलिए पसंद करता है क्योंकि वह सुरक्षित महसूस करता है। वो झुंड में इसलिए रहना पसंद करता है क्योंकि वह झुंड में सुरक्षित महसूस करता है, यानी खुद को क्या करता है, सुरक्षित महसूस करता है। और अगर कोई बिछड़ जाता है, अगर कोई बिछड़ जाता है तो क्या होता है, वो घबरा जाता है। ठीक है, यदि कोई हाथी अपने झुंड से बिछड़ जाए तो घबरा जाता है। हाथियों के झुंड का नेता हाथी सबसे आगे चलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। एंड या ख भी देख लेंगे हम। ख में है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। एक शब्द में उत्तर, एक ही शब्द में हमें उत्तर देना है। तो पहले का आंसर होगा हाथी का दूसरा नाम। हाथी का दूसरा नाम क्या था? गजानन। हाथी का दूसरा नाम गजानन। सेकंड आंसर है हाथी का मनपसंद खेल फुटबॉल। तीसरा दिया हुआ है हाथी की देखभाल करने वाला महावत। चौथा है हाथी का प्रिय भोजन। हाथी का प्रिय भोजन गन्ना और केला। ओके, इतना हम पहले देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है गजानन हाथी का घर कहाँ था? गजानन हाथी का घर मंदिर के पास था। गजानन हाथी का घर मंदिर के पास था। ग जमया की मात्रा, न गजानन हाथ में बड़ी की मात्रा हाथी, कमया की मात्रा का, घ घर, मपे अंक की मात्रा, दपे छोटी की मात्रा, र मंदिर, कमे की मात्रा, पमे अंक की मात्रा, स पास, थमे अंक की मात्रा था। गजानन हाथी का घर मंदिर के पास था। दूसरा है हाथी को महावत क्यों अच्छा लगता था?
हमें की मात्रा थमे बड़ी की मात्रा हाथी, कमे ओ की मात्रा को म, हमे की मात्रा व त महावत, ई स ल में छोटे की मात्रा ए इसलिए, अ आधा च छ में की मात्रा अच्छा, ल ग त में की मात्रा लगता, थ में की मात्रा था, आधा क यो पे की मात्रा, क में छोटे की मात्रा क्योंकि, वह वह, हाथ में बड़ी की मात्रा हाथी की, अ आधा च छ में की मात्रा अच्छे, स में की मात्रा से, द में की मात्रा ख, भ में की मात्रा ल देखभाल, क र त में की मात्रा करता था। हाथी को महावत इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वह हाथी की अच्छे से देखभाल करता था। तीसरा क्वेश्चन है, हाथी झुंड में रहना क्यों पसंद करते हैं? हमें की मात्रा हाथ, हमें बड़ी की मात्रा थी हाथी, ज में छोटा की मात्रा, ऊपर की मात्रा ड झुंड, ममे की मात्रा अंक की मात्रा में, र ह न में की मात्रा ना रहना, ई स ल में छोटी की मात्रा ए इसलिए, प सप की मात्रा द पसंद, क र ता करता, हमें की मात्रा है क्योंकि वह सुरक्षित, स में छोटा की मात्रा र, छ में छोटी की मात्रा त सुरक्षित, म ह स में बड़ाओ की मात्रा स महसूस करता है। हाथी झुंड में रहना इसलिए पसंद करता है क्योंकि वह सुरक्षित महसूस करता, अपने को सेफ समझता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो सिर्फ मैंने इसका भी आंसर लिखा हुआ है और इसका भी सिर्फ आंसर लिखा हुआ है, क्वेश्चन इसमें भी नहीं, क्वेश्चन इसमें भी नहीं। ओके, तो मैं पहले आंसर पढ़ के बता देती हूँ। ग जमया की मात्रा न न गजानन, हाथी अपनी, हाथी का दूसरा नाम गजानन, हाथी का प्रिय खेल, फ में छोटा की मात्रा ट, व में आ की मात्रा ल फुटबॉल, तीसरा है हाथी की देखभाल करने वाला महावत, हाथी का प्रिय भोजन गन्ना और केला, ग आधा न न में आ की मात्रा और कमे की मात्रा ल में आ की मात्रा केला। ठीक है, गजानन फुटबॉल महावत गन्ना और केला। गजानन हाथी का घर मंदिर के पास था, हाथी को महावत इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वह हाथी की अच्छे से देखभाल करता था, हाथी झुंड में रहना इसलिए पसंद करता है क्योंकि वह सुरक्षित महसूस करता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा ख का क्वेश्चन देखेंगे। हाथी का दूसरा नाम, हाथी का दूसरा नाम क्या है? महावत है। पहला आंसर मैंने लिखा हुआ है, हाथी का मनपसंद खेल, हाथी का मनपसंद खेल क्या है? फुटबॉल। सेकंड वन फुटबॉल। हाथी की देखभाल करने वाला क्या कहते हैं? महावत। हाथी का प्रिय भोजन, हाथी का प्रिय भोजन कौन सा है? गन्ना और केला। ठीक है, यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, गजानन हाथी का घर कहाँ था? गजानन हाथी का घर मंदिर के पास था, हाथी को महावत क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि वह उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करता था। हाथी झुंड में रहना क्यों पसंद करते हैं? वो इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो अपने को सेफ समझते हैं, जब ग्रुप में रहते हैं तो खुद को क्या करते हैं? सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, देख लेते हैं। जंगल में हम अक्सर झुंड में ही रहना पसंद करते हैं, यदि कोई हाथी अपने झुंड से बिछुड़ जाए तो घबरा जाता है, हाथियों के झुंड का नेता हाथी सबसे आगे रहता है, यानी उन लोग का ग्रुप भी रहता है और ग्रुप में क्या रहता है, ग्रुप का मुखिया होता है, मेन होता है, वो नेता होता है, वो सबसे आगे आगे चलता है। ठीक है, तो आज का वर्क है हम लोग शब्दार्थ, नए शब्द एंड क्वेश्चन आंसर, पेज नंबर था 58, पेज नंबर 58। मैं साक्षी देती हूँ शब्दार्थ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, पेज 58 शब्दार्थ एंड क्वेश्चन आंसर, पेज नंबर 58। ये नोट्स पढ़ना है, लिखना है और अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि ये हम जितना लिखेंगे पढ़ेंगे हमको उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।